भगवा पार्टी के भगवाधारी मेवरा बोले, मुझे ही मिलेगा उपचुनाव में बीजेपी से टिकट और जीत कर भी दिखाऊंगा। मैं पार्टी की खातिर जेलों तक में गया हूं। खबर श्योपुर से है, जहां विजयपुर में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव टिकट को बीजेपी में कलह मची हुई है। अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहे माहौल में एकाएक भूचाल आ गया है। चुनावों की तारीख का ऐलान तो अभी यहाँ होना बाकी है, मगर बीजेपी के दो पूर्व विधायक के बगावती ऐलान ने पार्टी अलकमानों की नींद और चैन उड़ा दी है। कुछ चंद घंटों में ही माहौल बदल गया है। अब भाजपा उम्मीदवार की लड़ाई कांग्रेस के साथ साथ अपनी ही पार्टी के अंदर खाने के नेताओं से होती नजर आ रही है, जिसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। जी हां, एक तरफ आदिवासी समाज से आने वाले पूर्व विधायक सीताराम पार्टी से टिकट को लेकर आर या पार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बगवाधारी पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा अपने त्याग, समर्पण और सच्चे भाजपाई होने का हवाला देकर पार्टी से अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वैसे तो बाबूलाल मेवरा धार्मिक और शांत स्वभाव छवि वाले व्यक्ति हैं, मगर इस बार वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। वे तो बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये कह रहे हैं कि वर्ष 2008 में बीजेपी पार्टी जिस रामनिवास रावत को डाकू और डाकू का साथी बताती थी, फिर अब उसी रामनिवास को बीजेपी ने पार्टी में क्यों शामिल कर लिया है, ऐसी क्या जरूरत थी इन्हें पार्टी में लेने की। बाबूलाल मेवरा बोले कि मुख्यमंत्री उनके निजी कार्यक्रम में न्योता खाने विजयपुर आ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, सीएम के आने से उन्हें टिकट थोड़ी मिल गया है। अगर वो राज्यपाल को बुलाते तो राज्यपाल भी भोजन करने आते, मुझे बुलाया होता तो मैं भी गया था भोजन पर। यह बहुत बड़ी पार्टी है, किसी एक के कहने से टिकट नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूं, टिकट तो बीजेपी से मुझे ही मिलेगा। मैंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, इस बार मैं जीत कर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बीजेपी और जनसंघ पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूं, पार्टी की खातिर जेलों तक में गया हूं। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जन लगा वो सही लगा है, पर ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और उनके टिकट पर ही लड़ूंगा और अब की बार जीतूंगा। जीतने का कारण ये है, पहले लोगों ने चंबल संभाग में और खासतौर से विजयपुर में हवा उड़ाई थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, रामनिवास जी मंत्री बन रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो गरीब लोग बातों में आ गए और वोट दे दिए। और आपको मालूम है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, कि 2008 में डाकुओं को लाया, डाकू गांवों में घूमते रहे, जगन डाकू प्रचार करता रहा गांवों में, ये स्थिति है। ऐसे आदमी को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को 2008 में ये कहा कि डाकुओं का आदमी है, ये डाकू है, डाकुओं को लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कदापि टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं तो लड़ूंगा ही, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, उतारेंगे नहीं, क्यों उतारेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया 2008 में कि डाकू जगन को लाया है, लोगों की मारपीट करवा रहा है, गरीब आदिवासियों को कुटवा रहा है, पिटवा रहा है, वोट कमा रहा है, प्रकरण दर्ज है थाने में, देवगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज है, चिन्नौनी में दर्ज है, लोग अभी भी तारीख कर रहे हैं अदालत में। लोग सोच कैसे रहे टिकट मिल जाए, कहाँ से सोच रहे हैं। ये पार्टी है राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी है। ये कोई वैसे नहीं है कि वो कह दिया हाँ हूँ हो गई, ऐसा नहीं होगा। बगावत नहीं है भैया, ये तो मेरा आग्रह है, निवेदन है, विनय है मेरी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे और चुनाव लड़वा। भाजपा में टिकट ही मिल गया, टिकट ही दिया भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, भारतीय जनसंघ का आदमी हूँ। मीसा में जेल में रहा मैं 19 महीने, मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत राय हो, तो भोजन करने कौन नहीं आएगा, नौता देगा तो आएगा, और वो राज्यपाल बुलाते तो राज्यपाल भी आते भोजन करने, तो हमें बुलाया हम भी गए भोजन करने। ये प्रश्न कहाँ से आया भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती, ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न सही ये है, इसको सही करो कि टिकट मुझे देंगे।